इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार के मामले में केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को असंवैधानिक बताया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाई जाए, यह अध्यादेश असंवैधानिक है। बता दें कि जैसा कि कुछ दिनों पहले आपने देखा था, अरविंद केजरीवाल के सरकार लगातार पूरे देश भर की विपक्षी पार्टियों के सामने इस बात को लेकर के चर्चा कर रही थी कि उनके अध्यादेश के खिलाफ समर्थन दिया जाए और इस अध्यादेश को निरस्त किया जाए। वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने अब भांप लिया है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होने वाली है, ना ही इस अध्यादेश को उनका विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने यह बड़े कदम उठाते हुए केंद्र सरकार को एक बार कड़ी टक्कर दी है और साथ ही विपक्षी दलों को भी दिखा दिया है कि उन्हें उनके साथ की जरूरत नहीं है, वे अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकते हैं। इस मामले में लगातार सियासी पार्टियों की गहमागहमी जारी है। लगातार चुनावों के पहले इस तरह से राजनीतिक पार्टियों का आपस में भिड़ना लगातार देखा जा रहा है और अरविंद केजरीवाल का यह एक बहुत बड़ा फैसला है जिससे न केवल केंद्र सरकार भी सकते में है बल्कि विपक्षी पार्टियों के लिए भी यह एक तगड़ा झटका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राहुल गांधी के अलावा और भी कई पार्टियां जिसमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और नीतीश कुमार की जेडीयू भी शामिल है, इन सब के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक तीसरे फ्रंट का रास्ता खोल दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब यह समझ चुके हैं कि आने वाले चुनाव में उसे आम आदमी पार्टी को एक अलग पार्टी बनकर के चुनाव लड़ना होगा। फिलहाल के लिए इस मामले पर तमाम अपडेट जारी हैं। अगले अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।